कांग्रेस पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश में जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस को जन समर्थन मिल रहा है। इसी तारतम्य में आज कांग्रेस की जन आक्रोश रैली गुना शहर पहुंची। यहां पर भव्य रूप से कांग्रेस के समर्थकों ने एवं जनता ने स्वागत किया। इस जन आक्रोश रैली में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह राजपूत, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, बागी मलकान सिंह, चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि जैसे ही इस रैली का गुना में प्रवेश हुआ तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। यहां पर कांग्रेस जिंदाबाद के नारे कांग्रेस के समर्थक लगाते हुए नजर आए। साथ ही इस यात्रा का जगह जगह भव्य रूप से स्वागत किया गया। आप देख रहे हैं कि इस जन आक्रोश रैली में लोग किस तरह से इस यात्रा का स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े हैं। इसके बाद ये यात्रा शेर के मार्गों से गुजरती हुई हार्ट रोड पहुंची। हार्ट रोड पर एक बड़ी विशाल आम सभा को आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। देखिए किस तरह से अभी ये यात्रा गुना शहर में पहुंची है, जिसका लोग भव्य रूप से स्वागत कर रहे हैं। और ये लोग अब हार्ट रोड पहुंचे हैं, यहाँ पर बड़ी आम सभा को नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। इस वक्त मैं हूं हार्ट रोड पर। यहां पर कांग्रेस की जन आक्रोश रैली आई हुई है और एक सभा संबोधित की जा रही है। यहां पर मंजा सिंह है, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह, गोविंद राजपूत, बागी मलकान सिंह सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता इस मंच पर उपस्थित हैं, जो कुछ ही देर में इस सभा को संबोधित करेंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग इस सभा में पहुंचे हैं और अपनी जन आक्रोश भारत माता की कांग्रेस पार्टी। क्या ये सरकार जनबल की है या धनबल की है? क्या ये भ्रष्ट सरकार जो पिछले 3.5 साल से मध्य प्रदेश में है, क्या ये सरकार वोटों की है या नोटों की है? नोटों की सरकार है। और आखिर जो हम आज जन आक्रोश देख रहे हैं, जनता इसलिए आक्रोश है क्योंकि आज चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे जनपद हो, चाहे नगर परिषद हो, क्या एक भी काम बिना पैसे के होता है क्या? अभी कुछ महीने पहले ही कर्नाटक की जनता ने 40% कर्ज की सरकार को उखाड़ के फेंका था और अब बारी आ गई है मध्य प्रदेश की, जहां पर मध्य प्रदेश की जनता 50% कर्ज की सरकार को उखाड़ के फेंकी। कांग्रेस पार्टी में इतनी सूझबूझ है, इतनी पेनिट्रेंट है, तो जो कहती है वो करती है। मैं आपके जनता से एक निवेदन करना चाहते हैं, सब नेता वरिष्ठ बैठे हैं, मैं माफी चाहते हैं कि ये चुनाव अर्जुन और भीष्म पितामह जैसा होगा, मिलावट नहीं होगा। चाहे हमारा रिश्तेदार होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी का रिश्तेदार होगा, चाहे दोस्त होगा, अगर चुनाव कांटे का होगा, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे को उसका मुकाबला हो, उसमें मुकाबला होगा तो जमकर मुकाबला होगा। अगर इस तरह का नहीं होगा, बिकने वाला मामला नहीं होगा। क्यों नहीं बने गुना संभाग? गुना का अधिकार है। गुना ने बड़ा संघर्ष किया, गुना ने बहुत गरीबी देखी है, गुना ने बहुत अत्याचार सहे हैं, यहां पे 10-10, 15-15 रुपया सैकड़ा ब्याज लेते थे। जिसने एक बार ब्याज ले लिया, उसकी दुकान, जमीन, मकान सब चला जाता, कोई पूछने वाला नहीं था। ये कांग्रेस की सरकार जब बनी
और दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बने उसके बाद से ये ब्याज खोरों को हमने नकेल लगाई। आज किसी में हिम्मत नहीं है 10 रुपया सैकड़ा ब्याज लेने को ले सकता है। ये कांग्रेस के कारण बीच में जरूर शुरू हो गया, अभी सुनता रहता हूं, हो गया है अभी, चिंता मत करो, ये बीजेपी की सरकार में हुआ होगा। कांग्रेस की सरकार बना दो, 1.5 या 2 रुपया सैकड़े से ज्यादा जिसने ब्याज लिया, मैं दावे के साथ खड़ा कर दिया होकर कहता हूं यहां पे जेल के पीछे बंद होगा, वो जेल की सीखों में बंद होगा। उन्नीस तारीख से चालू हुई ये जन आक्रोश यात्रा अपने आप में एक आंदोलन बन गया। लाखों लोगों ने हमारे को इसके अंदर आहुति दी है, पूरे रास्ते के अंदर इतने लोग मिले कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतने लोगों से हमारी मुलाकात और इतने लोगों के विचार, और ये एक ऐसा जन आंदोलन बन जाएगा जिसकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कांग्रेस पार्टी के युवा चेहरा एवं युवा नेता विक्रम सिंह तोमर द्वारा सभी मुख्य अतिथियों का भव्य स्वागत करते हुए उन्हें एक हनुमान की गदा भी भेंट की गई। आप देख रहे हैं कि विक्रम सिंह तोमर मंच पर सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए आप लोग पटवारी में भर्ती में घोटाला किया, व्यापार घोटाला किया, जो महिलाएं अभी कोरोना काल में 2 महीने कर्फ्यू लगा रहा, यहाँ से कोई निकल नहीं सका घर से, आप हम लोग स्कूल खुले नहीं, आंगनबाड़ी खुली नहीं, खानदान बटा नहीं, बच्चों को दलिया बटा नहीं, महिलाओं को पोषाहार बटा नहीं, जिस विभाग के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह केंद्रीय मंत्रियों को महासचिव को विधानसभा चुनाव लड़ाई हुई है बीजेपी, तो उससे जो परिवर्तन आया है जो गिरी स्थिति थी उसका कांग्रेस कैसे आप बेहतर समझ सकते हैं, कैसे काउंटर करेगी? मैं समझ गया, लेकिन काउंटर करने की जरूरत ही नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं बचा, ना कार्यकर्ता बचा, ना लीडर बचा, ना कैंडिडेट बचा, ऊपर से क्यों लाए जा रहे हैं, किस बात का डर है? इसका मतलब उनको समझ आ गई है, आंधी बह चुकी है, सुनामी आने वाली है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, चुनाव डिक्लेयर होने दीजिए, जो डर रहे हैं डिक्लेयर करने से भगदड़ मचेगी बीजेपी के अंदर, आप देखते जाइए इतनी लंबी लिस्ट हमारे दरवाजे पे खड़ी है, हमने दरवाजा बंद किया हुआ। क्या चुनाव सनातन के इर्द गिर्द हो रहा है? नहीं, आप उन मुद्दों को क्यों लाते हैं जो मुद्दे हमारे हैं ही नहीं? हर जगह पे कार्यकर्ता विनेबिलिटी देख के हमारी लीडरशिप बहुत अच्छे तरीके से इस बार अपनी व्यूरचना में काम कर रही है, हमारे सर्वेस भी हो रहे हैं, चल रहे हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके अंदर कलेक्टिव डिसीजन के अंदर विनेबिलिटी देख के हम डिसीजन वो कार्यकर्ताओं की पीछे से। ज्योतिराज सिंधिया का कहना है वादे पूरे नहीं किए थे इसलिए कांग्रेस छोड़ी है। हाँ, इसीलिए कांग्रेस छोड़ी है, वो खरीद करोगी सरकार आप? अरे वो गद्दार की बातों के हम जवाब देंगे क्या? जो पैसों पे बिक गया चिन्नी चोर, उसका जवाब आप हमसे मांग रहे हो? उसका तो वक्त बताएगा क्या होगा, अभी तो बिस्कुट की प्लेट घूम रही है, आगे देखिए क्या क्या मिलेगा। जातिगत आरक्षण के लेके क्या आप कांग्रेस करने जा रही है? कमलनाथ जी है लेकिन वो भी सनातन की बात करते हैं, बागेश्वर धाम की उन्होंने कथा कराई थी, तो अच्छी बात है ना, तो उसमें क्या हो गया, किसी की ठेकेदारी थोड़ी ना है, धर्म सबका होता है, वो बेचते हैं धर्म, हम बेचते नहीं है, हम पूजा करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम धर्म को बेचते नहीं है। भाजपा नेताओं का कहना है कि जन आक्रोश यात्रा नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मन आक्रोश है, इसलिए अभी तक टिकट क्योंकि आशीर्वाद नहीं मिला ना, आशीर्वाद लोगों ने दिया नहीं, तो जन आक्रोश जनता का आक्रोश बन गया, तो दुख तो उस बात का है, कुछ तो बोलना है, बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में जनगणना जो जातिगत मतगणना की बात हो रही है उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो सामने आपके सब राहुल जी ने भी बोल दिया, बिहार में आपने देख लिया, जनता की आवाज के सामने कोई भी प्रशासन अधिकारी टिकने वाला नहीं है, किसी को भी ना है, जनता तैयार बैठी है, इस बार पूरी आंधी कांग्रेस के पक्ष में है, किसी को भी ना है, सबके सकते उठते नजर आए।
अब आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सबको जानने के लिए बस आपके जेब से निकालिए मोबाइल और देखिए देश, शहर, जिले की खबरें आपकी जेब में। देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी। इवेंट हो, पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो या स्पोर्ट हो, हर न्यूज मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।